हे गाइस, आई एम ऋषि चैंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। आज की वीडियो में अपन बहुत सारी एप्पल न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बात करेंगे आईफोन 12 के बारे में, आईफोन 9 के बारे में, इसके साथ साथ एप्पल और गूगल की यहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रही है कोविड-19 को लेकर, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू करता हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते साथ फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हमारे पास आती है आईफोन 11 को लेकर। एक न्यूज़ आती है सामने 9to5 मैक की तरफ से, जिससे पता चलता है कि चाइना में एप्पल के रीसेलर्स हैं, उन्होंने आईफोन 11 की प्राइस में यहां पर थोड़ा सा ड्रॉप किया। अगर मैं आपसे बात करूं तो आईफोन 11 पर आपके लिए $80 के अप्रॉक्स का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ आईफोन 11 प्रो पर आपके लिए $220 के अप्रॉक्स का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है चाइना मार्केट में। यह प्राइस यहां पर एप्पल के द्वारा कम नहीं की गई, ये जो रीसेलर्स हैं एप्पल के, उन्होंने यहां पर प्राइस ड्रॉप किया, और ये इसलिए किया है जिससे जो उनका अभी तक स्टॉक रखा होगा, जो लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं सेल आउट हो पाया होगा, तो उसको यहां पर निकालना चाह रहे होंगे। इस वजह से वो स्टॉक की प्राइस कम कर रहे हैं जिससे लोग डिस्काउंट में आके उसको बाय करें। तो ये चाइना की न्यूज़ को आज मैंने इसलिए इस वीडियो में कवर किया है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये हमारी कंट्री में भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ ऑफ अभी तो हमारी कंट्री में लॉकडाउन देखने को मिला है, बट जब ये लॉकडाउन यहां पर खत्म हो जाएगा उसके बाद साइज से जो हमारे रीसेलर्स हैं एप्पल के, फिर हम इमेजिन की बात कर लेते हैं, आई सेंटर की बात कर लेते हैं, मैपल की बात कर लेते हैं, इस तरह के जो भी रीसेलर्स हैं वो लोग अपना स्टॉक को निकालना जरूर चाहेंगे, बिकॉज ऑफ यहां पर मई के मंथ तक लॉकडाउन खत्म होगा और तब तक आईफोन 9 आ जाएगा और आईफोन 12 आने के भी चांसेस हो जाएंगे सितंबर तक। तो वो लोग यही चाहेंगे कि जो उनका पुराना स्टॉक है आईफोन का, उसको वो निकाल दें, तो उसके लिए वो यहां पर आपके लिए साइज से यहां पर डिस्काउंट दे सकते हैं। तो फर्स्टली हम इस लॉकडाउन का वेट करते हैं, आप कोई भी आईफोन बाय ना करें या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बाय ना करें, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के बाद यहां पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर जो यूएस डॉलर की प्राइस है वो भी यहां पर डिक्रीज हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो यहां पर कोरोना वायरस का सीन है उससे अमेरिका पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो जो प्रोडक्ट जैसे आईफोन 10 आ रहा है उसका इंडियन प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है, और ओवरऑल बात करूं तो लॉकडाउन का आपके लिए थोड़ा बहुत चेंजेस तो देखने को मिलेगा, और वही आपके लिए स्वीट टाइम होगा कि आप उस वक्त किसी प्रोडक्ट को बाय करें, अभी आप इनको थोड़ा सा स्किप करें जैसे ये लॉकडाउन की सिचुएशन खत्म होती है, और उसके बाद 15 डेज के अप्रोक्स आप वेट करिए, उसके बाद आपके लिए सारे स्मार्टफोन की डील सामने आ जाएगी। अगर कोई रीसेलर यहां पर प्राइस ड्रॉप करता है तो वो भी आपके लिए पता चल जाएगा, मैं आपके लिए इन्फॉर्म कर दूंगा, बट मैं आपसे अभी इतना बोलूंगा कि आप वेट करिए। जिस तरह से चाइना में प्राइस ड्रॉप देखने को मिली तो शायद से इंडियन मार्केट में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ यहां पर हमारे पास आती है iOS 14 को लेकर। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस न्यूज़ में कि यहां पर आपके लिए वेजिट्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वेजिट्स को आप कहीं भी यहां पर ड्रैग कर सकते हो, जहां आप चाहो उसको वहां स्विच कर सकते हो, जिस तरह से आप एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हो, ठीक इसी तरह से आप जो iOS 14 आएगा उसमें आपके लिए वेजिट्स को भी एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तक वेजिट्स आपके लिए साइड बार में ही देखने को मिलते थे, बट अब आप उनको अपने डिस्प्ले पर किसी भी पेज पर वहां पर एडिट कर सकते हो, और इसी तरह से यहां पर जो एप्पल डिजाइन की तरफ से एक वीडियो आती है, कुछ इस तरह का यहां पर सीन देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी एप्लीकेशन में यहां पर देर तक प्रेस करते हो और उसको अगर वेजिट्स में कन्वर्ट करते हो, तो उसके अलावा उसकी और यहां पर नोटिफिकेशन वगैरह आपके लिए वेजिट्स के माध्यम से उस एप्लीकेशन के बारे में देखने को मिलती रहेगी, और उसका जो आइकॉन है वो इस साइज का हो जाएगा जिसमें उसकी नोटिफिकेशन भी कवर हो जाए, वो यहां पर एप्लीकेशन का लोगो भी कवर हो जाए। कुछ इस तरह का वेजिट्स में आपके लिए चेंजेस देखने को मिल सकता है iOS 14 में। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ भी हमारे पास iOS 14 को लेकर ही आती है, जिसमें पता चलता है कि इसमें एक इस तरह का फीचर सेट किया जा सकता है जिसमें आप यहां पर जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से और जिनके बारे में आप कोई भी चीज नहीं जानते हो, तो उनके आपके लिए अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ अगर मैं आपसे बात करूं, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये खराब निकली या वो हमारे काम की नहीं निकली, तो हमारा जो डाटा है वो फालतू में वेस्ट हो जाता है। बट यहां पर iOS 14 में आपके लिए यहां पर एक ऐसे फीचर्स को ऐड किया जाएगा जिसमें आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको ओपन करके देख सकते हो कि आपके लिए वो अच्छी है या नहीं है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए डाउनलोड करना है या नहीं करना है। इस तरह का यहां पर फीचर iOS 14 में आपके लिए देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज यहां पर हमारे पास आती है एप्पल और गूगल की तरफ से। जिस तरह से आपने आरोग्य ऐप करके देखा होगा जो हमारे इंडिया में लॉन्च किया गया, जिसमें आप यहां पर ट्रैक कर सकते हो कोविड-19 के पेशेंट को कि आपसे वो कितने दूरी पर है, ठीक इसी तरह से एप्पल और गूगल मिलकर भी कुछ इसी तरह का एप्लीकेशन को डेवलप कर रहा है, क्योंकि जो लोग यहां पर कोविड-19 के पेशेंट हैं वो लोग यहां पर फुलफिल कर सकते हैं उस एप्लीकेशन में कि उनके लिए ये डिसीज है, तो वो यहां पर उसके माध्यम से आपके पास भी शेयर कर देगा और पूरा डाटा आप देख सकते हो,
बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। जिस तरह से मैपिंग की बात करते हैं तो मैप पर वो शो कर सकते हैं कि आपसे कितने दूरी पर पेशेंट है, इसके साथ साथ आपके एरिया में कितने पेशेंट हैं, ये सारा डाटा आपके लिए एप्पल और गूगल की मदद से एक यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलप की जा सकती है जिसमें आपके लिए ये पूरा डाटा देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर ये बोलता है कि इसमें चीज आपकी सिक्योरिटी आपकी प्राइवेसी को फोकस करके ये एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी, मतलब कि आपका कोई भी पर्सनल डाटा इस एप्लीकेशन या इस वेबसाइट में रिवील नहीं होगा। जो भी यहाँ पर सिस्टम होगा वो यहाँ पर ब्लूटूथ के बेसिस पे किया जाएगा और आप यहाँ पर जो चीज फुलफिल करोगे उसके बेसिस पर किया जाएगा। कोई भी ऐसा पर्सनल डाटा यहाँ पर शेयर होने के कोई भी चांसेस नहीं है। और शायद से आपके लिए मई के मंथ तक एप्पल और गूगल के द्वारा कुछ आपके लिए यहाँ पर एक कोई एप्लीकेशन देखने को मिल जाए जो कि आप कोविड 19 की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए काम में आ सकती है और आप उसमें ट्रैक कर सकते हो कि कोविड 19 के कितने पेशेंट आपके कितने पास हैं और कुछ प्रिकॉशन वगैरह। इसी तरह से पूरा आपकी एक प्रिकॉशन के लिए हेल्थ ऐप टाइप का आपके लिए एप्पल और गूगल की तरफ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर हमारे पास आती है 2020 आईफोन 12 सीरीज को लेकर। जिस तरह से मैं अगर आपसे बात करता हूं तो यहाँ पर एक लीक के माध्यम से पता चलता है कि आईफोन 12 में आपके लिए 4 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किए, बट यहाँ पर ऐसा देखने को मिला जो एक 5.4 इंचेस का आईफोन है और जो 2 6.1 इंचेस के आईफोन है वो आपके लिए सेप्टेम्बर के मंथ में ही देखने को मिल जाएगा, बट जो यहाँ पर 6.7 इंचेस का आईफोन है आईफोन 12 प्रो मैक्स वो आपके लिए यहाँ पर अक्टूबर के मंथ में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से अगर हम बात करें तो 2018 में आपके लिए फर्स्टली देखने को मिला था इवेंट में आईफोन 10s और आईफोन 10s मैक्स सेप्टेम्बर में, वहीं अगर आईफोन 10R की बात करते हैं तो वो यहाँ पर आपके लिए अक्टूबर के मंथ में देखने को मिला। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2017 की तो वहां पर सेप्टेम्बर के मंथ में आपके लिए आईफोन 8 और 8 प्लस देखने को मिला, वहीं आईफोन 10 आपके लिए नवंबर के मंथ में देखने को मिला। तो ठीक इसी तरह से यहां पर आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो आपके लिए थोड़े दिनों बाद देखने को मिलेगा और वो सामने आता है कि शायद से अक्टूबर के एंड तक आपके लिए 12 प्रो मैक्स देखने को मिल जाएगा और जो 3 और स्मार्टफोन है वो आपके लिए सेप्टेम्बर के मंथ में देखने को मिल जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि जो प्रोडक्शन है जो यहाँ पर जो 3 स्मार्टफोन है उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और जो 12 प्रो मैक्स का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर मई के एंड तक स्टार्ट होगा, तो उस वजह से यहाँ पर उसमें थोड़ा सा लेट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ एक और लीक सामने आती है जिसमें पता चलता है आईफोन SE 2020 की लॉन्च डेट के बारे में, जिसमें आईफोन SE 2020 आपके लिए जो ये वीक स्टार्ट होने वाला है कल से, उसमें आपके लिए यहाँ पर इसी वीक में आईफोन SE 2020 देखने को मिल जाएगा मार्केट में। ये लीक सामने आती है कि मिड अप्रैल में आपके लिए आईफोन SE का लॉन्च इवेंट देखने को मिल जाएगा। जिस तरह से जॉन प्रोसर की लीक के माध्यम से हमें पता चलता था कि आपके लिए 14th of April या 15th of April को मार्केट में आईफोन SE 2020 के मिलने के चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ पर अपने ओपिनियन की बात करूं तो मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद से आपके लिए परसों के दिन आईफोन 9 मार्केट में देखने को मिल जाएगा 14th of April ट्यूजडे को, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 14th को मिलता है 15th को मिलता है, बट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पुराने डाटा को देखकर, तो आपके लिए शायद से 14th of April को ही स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो अब देखते हैं कि 14th सही होती है 15th सही होती है, बट ओवरऑल बात करूं तो आपके लिए इस वीक में आईफोन SE 2020 मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये डिवाइस क्लियर होते हैं उसके बाद मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज सामने लाऊंगा जिसमें आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा डिवाइस आपके लिए बेटर रहेगा। ये कुछ एप्पल न्यूज थी जो कि हमारे पास आती हैं, उनको हमने कवर किया। आईफोन 12 की लॉन्च डेट के बारे में बात की, आईफोन 12 प्रो मैक्स यहां पर थोड़ा सा लेट हो सकता है, iOS 14 के कुछ फीचर्स थे, इस तरह से एप्पल और गूगल की कोई एप्लीकेशन आपके लिए देखने को मिल सकती है कोविड 19 के रिलेट में। अगर आपके लिए यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, बिकॉज वहां पर भी आपके लिए एप्पल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहती है। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में।